देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम, हर घर पधारेंगे भगवान गणेश, देश भर में सजे बप्पा के पंडाल। बप्पा की स्थापना और पूजा के लिए दिन भर में 5 शुभ मुहूर्त, सुबह 11:20 से दोपहर 1:20 तक का समय सबसे अच्छा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इको फ्रेंडली गणपति की धूम, पिस्ता और समुद्री सीप से बनाई गई बप्पा की विशाल मूर्तियां। उड़ीसा के कलाकार की अनोखी कारीगरी, बोतल के अंदर बनाई भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्ति। गुजरात के वडोदरा में दिखे नन्हे गणपति, खास बच्चों के लिए कलाकार ने बनाई बाल गणेश की मूर्ति। हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश पूजा की अनुमति, हाईकोर्ट से परमिशन मिलने के बाद श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। राजस्थान के पाली में आकर्षक लाइट से रोशन हुआ गणपति पंडाल, दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। मुंबई मेट्रो से गणपति प्रतिमा नहीं ले जा पाए श्रद्धालु, सुरक्षा कर्मियों में मूर्ति ले जा रहे यात्रियों को लौटाया। आगरमालवा में 14 किलोमीटर तैरकर बगलामुखी के दर्शन करने पहुंचे 4 भक्त, मन्नत पूरी होने की 4 घंटे की तैराक। वाराणसी के चोलापुर में मूर्तियां तोड़ने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने जारी किया पोस्टर, मानसिक बीमार बताया जा रहा है आरोपी। झारखंड में खतरे में सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी, महागठबंधन के 27 विधायक रांची से रायपुर पहुंचे। विधायकों को सी ऑफ करने सीएम सोरेन भी एयरपोर्ट पहुंचे थे, कहा सत्ता पक्ष हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार, रणनीति के तहत काम होता है, ये उसी की एक छोटी सी झलक है। सीएम सोरेन और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रांची में ही रहेंगे 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक। सीएम हाउस में विधायकों के साथ सोरेन ने की अहम बैठक, बैठक में विधायकों को शिफ्ट करने का फैसला लिया। सीएम हेमंत सोरेन को लाभ के पद का पाया गया है दोषी, सोरेन पर राज्यपाल कभी भी ले सकते हैं फैसला। झारखंड में अंकिता हत्याकांड को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया, डीजीपी और गृह सचिव को किया तलब, मांगी स्टेटस रिपोर्ट। दुमका में मृतक अंकिता के घर पहुंची फॉरेंसिक टीम, जांच दल में सीआईडी के अलावा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अधिकारी समेत 10 सदस्य शामिल। शाहरुख पर अंकिता को जिंदा जलाने का है आरोप, फोन पर बात करने से मना करने पर वारदात को दिया था अंजाम, पुलिस ने शाहरुख समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंकिता के नाबालिग होने के मिले प्रमाण, शाहरुख पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने की भी मांग। दुमका में अंकिता के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। विधानसभा में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर किया वार, अंकिता को इलाज के लिए लिफ्ट न करने पर उठाए सवाल, दुमका के डीएसपी नूर मुस्तफा पर भी साधा निशाना। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कसा शिकंजा, सीबीआई ने खोला सिसोदिया का बैंक लॉकर। सिसोदिया की मौजूदगी में सीबीआई ने गाजियाबाद में पंजाब नेशनल बैंक में सिसोदिया का लॉकर खोला। सिसोदिया ने कहा सीबीआई को मेरे लॉकर से कुछ नहीं मिला, कहा सभी एजेंसियों की जांच में मुझे क्लीन चिट। सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी, उन्होंने हमें भी बुलाया था, लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, लिखा मनीष के घर लॉकर से सीबीआई को कुछ नहीं मिला। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, लिखा आपकी कथनी और करनी में फर्क। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल सरकार को बताया भ्रष्टाचार का ट्विन टावर, कहा दिल्ली की जनता पाठशाला चाहती है मधुशाला नहीं। आप नेता आतिशी मरलेना ने किया पलटवार, बीजेपी को बताया लोकतंत्र का सीरियल किलर। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका, 64 कांग्रेसी नेताओं ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने वालों में पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद शामिल, पूर्व मंत्री माजिद वानी और गारू चौधरी का भी इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में सभी नेताओं ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने कहा हम खुश हैं कि आजाद अपनी पार्टी बना रहे हैं। कांग्रेस ने साधा गुलाम नबी आजाद पर निशाना, पूछा 2021 से पहले कहां थे, राज्यसभा सीट और दिल्ली में बड़े मकान की चाहत का लगाया।
कोयला तस्करी के मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को ईडी का समन, 2 सितंबर को किया तलब। गृह मंत्रालय ने एनआईए के 2 नए विंग को दी मंजूरी, 142 जांच अधिकारी और कर्मचारी बढ़ाए गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 382 नए मामले, 24 घंटे में 410 मरीजों ने दी कोरोना को मात, एक्टिव केस की संख्या 2226। 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कई प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। पीएम मोदी 1 सितंबर को कोचीन के कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान का भी करेंगे दौरा, 2 सितंबर को कोची में नौसेना को सौंपेंगे आईएनएस विक्रांत। पीएम मोदी मेंगलुरु में करीब 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की मुलाकात, सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली के लिए गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला, 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करने का आदेश, कन्विक्शन रेट बढ़ाने में मिलेगी मदद। एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी हुआ दंगा मुक्त, 2021 में सांप्रदायिक हिंसा का सिर्फ 1 मामला हुआ दर्ज। यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में आई कमी, एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में सामने आई जानकारी। 2019 के मुकाबले 2021 में बाल अपराधों में 11.1% की कमी, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 6.2% की कमी। यूपी में साइबर अपराध में भी आई कमी, साइबर क्राइम के मामले 22.6% कम दर्ज हुए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एनसीआरबी डेटा पर योगी सरकार को घेरा, कहा यूपी में महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाएं बढ़ी हैं। सोनाली फोगाट मर्डर केस में जांच के लिए हरियाणा पहुंची गोवा पुलिस, परिवार ने कहा मीडिया से मिली जानकारी। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने गोवा पुलिस को हर संभव मदद का दिया भरोसा। सोनाली फोगाट की बेटी और परिजनों का बयान दर्ज कर रही है गोवा पुलिस, सोनाली के परिजनों ने सुधीर सांगवान पर लगाए गंभीर आरोप। सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा सरकार ने हरियाणा के सीएम और डीजीपी को सौंपी गोपनीय रिपोर्ट, सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। गोवा के करलीज बार पर शिकंजा कसने की तैयारी, गोवा पुलिस के साथ गोवा टूरिज्म की टीम जांच के लिए पहुंची, बार मालिक की पहली ही हो चुकी है गिरफ्तारी। ठाणे के रहने वाले 7 साल के व्योम दाभाड़कर को याद है भगवद गीता के 18 अध्याय, महज 4 साल की उम्र से शुरू कर दिया था गीता पढ़ना, अपनी प्रतिभा से परिवार और शहर का बढ़ाया मान। प्रयागराज में हौसले की मिसाल बनी 3 लड़कियां, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली तीनों लड़कियां कर रही हैं यूपीएससी की तैयारी। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एनडीआरएफ की बोट से बाढ़ के हालात का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। आगरमालवा के जिला अस्पताल की खुली पोल, मरीज के अटेंडर कर रहे हैं अस्पताल की सफाई, अव्यवस्था और गंदगी का अंबार बना है जिला अस्पताल। आजादी के 75 साल बाद भी पानी की किल्लत से जूझ रहा है जमुई का भट्टा गांव, बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना की खुली पोल। दिल्ली में कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, पुलिसकर्मी और सीडब्ल्यूजी में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदयपुर में प्रसिद्ध पन्ना धाय की प्रतिमा का किया अनावरण, पन्ना धाय ने राज्य की सेवा करते हुए अपने बेटे का दिया था बलिदान। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के बाढ़ प्रभावित लोगों को सिंगल क्लिक के जरिए बांटी राहत राशि, कहा हमने कोई जान नहीं जाने दी। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी की चर्चा। दक्षिण गुजरात के डांग और नवसारी में दिखी आदिवासी महिलाओं की आत्मनिर्भर तस्वीर, महिलाओं ने आदिवासी भोजन निहारी की शुरुआत। यूपी के मिर्जापुर में बाढ़ से बिगड़े हालात, विंध्याचल का ओझला पुल बना स्टंटबाजों के लिए अड्डा, जान जोखिम में डालकर करीब 30 फीट ऊंचे पुल से छलांग लगाते नजर आए बच्चे, वीडियो हो रहा है वायरल। राजापुर रानीबारी इलाके में बाढ़ की वजह से खेतों में लगे हाईटेंशन लाइन के टावर से भी पानी में छलांग लगाते दिखे कुछ लड़के।
गहरे पानी में छलांग से हो सकता है बड़ा हादसा, पुलिस स्टंटबाजों पर नकेल कसने की कर रही है तैयारी। मिर्जापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंची स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। वाराणसी में गंगा का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट तक नाव से ले जा रहे हैं शव। गंगा किनारे की गलियों में शव के साथ लोगों की दिख रही है कतार, बाढ़ के पानी में डूबकर लोग कंधा देने को मजबूर। वाराणसी में गंगा में उफान की वजह से निचले इलाकों पर डूबने का खतरा बरकरार, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी पहुंचा सैलाब। काशी में गंगा के रौद्र रूप के चलते सभी पक्के घाट डूबे, घाटों का आपस में कटा संपर्क। विश्वनाथ कॉरिडोर का जलासेन पथ हुआ जलमग्न, हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ भरा पानी। सेल्फी पॉइंट के रूप में जाना जाने वाला नमो घाट भी पूरी तरह से पानी की जद में दिखा। प्रयागराज में बाढ़ ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल, गंगा यमुना के निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों एकड़ की फसल हुई बर्बाद। बाढ़ की विनाश लीला की वजह से किसानों पर कुदरत का वज्रपात, किसानों ने की बांध बनवाने की मांग। इटावा में यमुना और चंबल में पानी बढ़ने से चकरनगर इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। यूपी के बांदा में खेतों में खाद डालकर वापस लौटते समय दो भाइयों पर गिरी बिजली, एक की मौत, एक का इलाज जारी। एमपी के गुना में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे, लोगों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश का दिखा साइड इफेक्ट, सड़कों पर दिखा सैलाब। सड़कों पर बारिश के पानी की वजह से गाड़ियों की थमी रफ्तार, जाम बना लोगों के लिए जी का चिंचार। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश और बाढ़ का कहर, नाले में आई बाढ़ में बह गई एक महिला की तलाश में कई घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, महिला का मिला शव, पैर फिसलने से हुआ हादसा। बिहार के हाजीपुर में नाव पर सवार दिखी सरकार, लाव लश्कर के साथ सीएम और डिप्टी सीएम ने नाव से पार की गंगा नदी। गाड़ियों का काफिला भी अपने साथ लेकर गए थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, बड़ी नाव पर रखी गई थी गाड़ियां। राघोपुर में नदी पार करने के लिए नहीं है पुल, 1975 में भी इसी तरीके से नदी पार करते थे नीतीश। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन की रोक के बावजूद नाव से नदी पार कर रहे हैं लोग। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर बारिश के बाद जल जमाव, लोगों को हुई काफी परेशानी। एशिया कप के तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने दिया था 127 रनों का लक्ष्य, 9 गेंदे रहते ही अफगानिस्तान ने जीता मुकाबला। भारत हांगकांग के बीच एशिया कप का चौथा मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मुकाबला, विजय अभियान जारी रखना चाहेगी भारतीय टीम। एशिया कप में कल श्रीलंका बांग्लादेश की टक्कर, एक एक मैच हार चुकी है दोनों ही टीमें। इराक में श्रीलंका जैसे बेकाबू हुए हालात, संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प में 30 से ज्यादा की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल। यूक्रेनी शहरों पर रूसी सेना के कब्जे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा यूक्रेनी सेना कर रही है अपना काम, कब्जे वाले सभी इलाकों को फिर से करा लेंगे आजाद। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के यूक्रेन के जेपोरिजिया पावर प्लांट के मिशन का अमेरिका ने किया स्वागत, सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता का बयान, ये नहीं है कोई लड़ने भिड़ने की जगह, हम आईएईए के फैसले का करते हैं समर्थन। पाइपलाइन मेंटेनेंस के नाम पर रूस ने रोकी यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई, कई देशों में गैस की किल्लत, जर्मनी के मंत्री का बयान, दोबारा गैस सप्लाई नहीं करेगा रूस, दूसरे विकल्पों पर विचार करने की सदस्य देशों को दी सलाह। कोलंबिया में नई सरकार के बनने के बाद वेनेजुएला के साथ राजनयिक विवाद पर लगा विराम, दोनों देशों ने आपसी सहयोग के लिए बढ़ाया कदम। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर छापेमारी के दौरान मिले सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर व्हाइट हाउस का बयान, राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में नहीं है कोई जानकारी, अपना काम कर रही है जांच एजेंसी। भारी बारिश के बाद अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में बाढ़ का खतरा, राज्य के गवर्नर के आपातकाल का ऐलान, 1.5 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, मदद के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती, जैक्सन शहर में उफान पर है पर्ल नदी।
भीषण बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान की बड़ी मुश्किलें, तबाही और आर्थिक संकट के बीच खाने पीने की किल्लत, आईएमएफ समेत कई देशों ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ। चिली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प, राजधानी सैंडियागो में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने पत्थरबाजी के जवाब में किया वाटर कैनन का इस्तेमाल।